हाय गाइस, कैसे हैं सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और सेफ होंगे अपने अपने घरों में। तो गाइस, सबसे पहले मैं अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ आप सबसे कि थैंक यू मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। एंड मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी वीडियो सब लोगों को अच्छी लगी, मेरे व्यूअर्स को अच्छी लगी। और दूसरा, मैं अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे फॉलो किया। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि आपने मुझे फॉलो किया, थैंक यू सो मच। तो गाइज, आज के टॉपिक से शुरू करते हैं। पिछला टॉपिक मैंने आपको बताया था अपना रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करना चाहिए आपको ताकि वो स्ट्रांग हो। आज का टॉपिक टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के ऊपर है कि रिलेशनशिप्स कब ख़राब हो जाते हैं, कब टॉक्सिक बन जाते हैं हमारी लाइफ के लिए, एंड हमें उनसे कैसे डील करना है या हमें उनसे कैसे निकलना। सबसे पहली बात तो एक रिलेशनशिप में क्या होता है कि फ्रीडम होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, केयर होती है एक दूसरे की, एक दूसरे को समझा जाता है। और जहाँ ये चीज़ें नहीं हो रही हैं उसका मतलब वो रिलेशनशिप ठीक नहीं है। अब कोई आपको डोमिनेट कर रहा है, कोई अपनी ही एक पार्टनर अपनी ही बात मनवा रहा है, तो वो कोई रिलेशनशिप हुआ, वो तो एक बीमारी जैसी है। जैसे कोई पागल इंसान होता है वो उसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं हम, जैसे कि वो बोल रहा है वही कर रहा है। आप पपट नहीं हो किसी के भी, आप ना ही प्रॉपर्टी हो किसी की, आप अपने घर वालों की देन हो और आप किसी और इंसान ने, किसी इंसान ने हक नहीं दिया कि आप हमें यूज़ करो एक पपेट की तरह। कठपुतली बने हुए हैं, जो वो बोल रहा है या बोल रही है वो कर रहे हैं। वो बोल रहा है इससे बात नहीं करनी है तो हम बात नहीं कर रहे हैं, वो बोल रहा है इस साइड नहीं जाना है तो इस साइड नहीं जाना है, वो बोल रहा है अब हंसना है तो अब हंस रहे हैं। आप किसी की प्रॉपर्टी नहीं हो। और आप सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप ऐसे रिलेशनशिप में रह के पागल भी हो सकते हैं, सच बात बता रही हूँ मैं। ये रोना, फिर अपने आप को कोसना कि हम इस रिलेशनशिप में क्यों आए, हमने ये गलती कर दी, ये वो सब कुछ फिर हमारे दिमाग में यही सब आता है। फिर मैंने आपको बताया ओवरथिंकिंग होती है, ओवरथिंकिंग से नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वहीं लाइफस्टाइल आपकी ख़राब हो, वहीं क्लिक हो जाता है और फिर मूड ऑफ रहता है, एंग्जाइटी हो जाती है। फिर डिप्रेशन क्यों होते हैं, इन्हीं कारणों की वजह से होते हैं, आजकल टीनेजर्स में बहुत है ये। तो गाइज, एक रिलेशनशिप तब टॉक्सिक बन जाता है जब उसमें डिसरिस्पेक्ट हो रही हो पार्टनर की। एक साइड एक पार्टनर अपना 100% दे रहा है और दूसरी साइड वह उसका पार्टनर वहाँ उसको छोटा नीचे दिखाना पे लगा रहता है कि तू ऐसी है, तेरे से कुछ नहीं होता है, तू तुझसे काम नहीं होता है, तुझे ये करने नहीं आता है, तुझे वो करने नहीं आता है। और वो डीमोरलाइज करता है, क्रिटिसाइज़ करता रहता है अपने पार्टनर को, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो। तो फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप में एक और चीज़ होती है, गालियाँ देते हैं। फिर जब गुस्से में होते हैं, लड़ाई हो रही थी तो एक दूसरे को गालियाँ दे रहे होते हैं, एक पार्टनर समझाने की भी कोशिश कर रहा होगा जिस जो पेशेंस वाला होगा, बट वो समझाएगा क्या। दूसरा गालियाँ बरसा रहा होता है, वो सुनता ही रहता है और फिर अचानक से एक ही चीज़ होती है, फिर रोने लग जाएगा वो, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। आप किसी की प्रॉपर्टी नहीं हो, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं किसी और के पीछे अपनी जान देने की। अपने गोल्स पे फोकस करो, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई टीचर बनने का कुछ भी, जो भी आप जिस भी लाइन में हो उस पे फोकस करो। अपने पेरेंट्स को याद करो ना, उनके लिए आप, उन्होंने आपको इतने पढ़ने के लिए भेजा हुआ है और आप ऐसे इंसान के पीछे पागल हो रहे हैं, ऐसे इंसान के पीछे रो रहे हैं जो आपकी कदर नहीं करता है। तो अब आप बोल लेंगे, मैं बोल रही हूँ कि रिलेशनशिप से ऐसे निकलना है, अब आप बोलोगे इतना ही टाइम पर रिलेशनशिप है कहते छोड़ दें। और कुछ लोग तो ऐसे, कुछ डोमिनेटिंग करेक्टर्स तो ऐसे होते हैं कि वो जब दूसरे छोड़ने की बात करेगा तो वो उसे ब्लैकमेल करने लग जाएंगे, हम तेरे घर में बता देंगे, हम ऐसा कर देंगे। तो गाइस, सबसे पहले अपने घर वालों का ट्रस्ट जीतो। सबसे पहले तो आप जाओ उनको बोलो, हाँ हमसे गलती हो गई है, अब आप प्लीज़ मुझे माफ़ करो, बट ये इंसान मुझे निकलने नहीं दे रहा, मैं क्या करूँ, आप प्लीज़ मेरी हेल्प करो। तो वहीं पे पहला पॉइंट उसका ख़त्म कि भाई मैं तेरे घर वालों को बता दूँ। इससे एक चीज़ होगी कि घर वालों का ट्रस्ट तो बढ़ेगा ही आपके ऊपर, और दूसरा ये कि उस इंसान से भी दूर जा सकते हो फिर आप। और अगर आपसे ये भी नहीं होता है तो किसी एक इंसान को तो बता ही दो, अपने फैमिली मेम्बर में से किसी एक को जो सिचुएशन संभाल सके। और ऐसे रिलेशनशिप में फिर अगर आप रह भी लोगे ना उस रिलेशनशिप में, आप घसीट भी लोगे, तो एक टाइम पे एंडिंग उसकी ब्रेकअप से ही होगी, कोई आपकी शादी वादी नहीं होगी। और अगर गलती से आपकी शादी भी हो जाती है तो आपका जो मैरिज है वो बिल्कुल नहीं चलने वाली, डिवोर्स हो जाएगा आपका और कुछ नहीं होगा। तो बस नहीं है मेरा कहना कि
ऐसा रिलेशनशिप जहाँ आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, जहाँ आप रो रहे हो, जहाँ आप परेशान हो और दूसरा खुश है, ऐसे रिलेशनशिप से बिल्कुल दूर चले जाओ, क्योंकि वो आपके लिए नहीं बना हुआ, वो डिज़र्व नहीं करता आपको। तो आज की वीडियो इतनी, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाऊंगी मैं, क्योंकि देखने का भी मन नहीं करता ज़्यादा बड़ी वीडियो हो तो। ठीक है गाइज, थैंक यू। और गाइज, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब भी करना और करवाना बाकियों से, ताकि हमारा चैनल थोड़ा ग्रो करे। ठीक है, थैंक यू।